कैसे हैं आप लोग? जैसे कि मेरे पास बहुत सी क्वेरी आई है अबाउट द ग्रिप्स। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हम बाइसेप्स में ग्रिप कहाँ से पकड़ें, हम बाइसेप्स में वाइड ग्रिप करें, क्लोज करें या नॉर्मल ग्रिप करें। तो देखिए, हर ग्रिप का है ना अपना ही एक रिजल्ट है। आप स्टेज पे गेम खेलने के लिए चढ़ तो जाते हैं, लेकिन वहां जाके आपको याद आता है कि यार हमारा तो पीक इतनी खास नहीं बन रही है या हमारे में इतनी शार्पनेस नहीं है। ठीक है, एक ऐसा नहीं है कि आपके वो नहीं, बिल्कुल ही क्या बोलते हैं उसको, फोकस नहीं है। बाइसेप पे फोकस सभी का होता है। क्यों? समर्स में टी शर्ट में सबसे पहले क्या पोज क्या आता है? बाइसेप फ्लेक्स करने का आता है। तो आज मैं उसी को ध्यान में रखते हुए, आपकी पर्सनैलिटी को ध्यान में रखते हुए बाइसेप्स की ग्रिप के बारे में बताता हूँ। और आज मेरे साथ है अक्षित। चलिए मैं आपको ग्रिप स्टार्ट कराता हूँ कि आपको स्टार्टिंग फेज से लेकर और ग्रिप्स के डिफरेंस क्या क्या मिलेंगे, आप किससे बाइसेप्स में कहाँ पे क्या गोल कर सकते हो। आ जाओ, कम चलो भाई, शोल्डर लेवल ग्रिप करके दिखाओ पहले। कम, बहुत बढ़िया। जैसे कि आप देख सकते हो, जो शोल्डर लेवल ग्रिप है वो शोल्डर का ही है, बिल्कुल उससे आउटर इन्होंने ग्रिप पे किया हुआ। ये नहीं है कि इन्होंने वाइड पकड़ लिया, क्लोज पकड़ लिया, नहीं, बिल्कुल ही लैट्स भी ओके हैं सब। चलो फाइव रेपिटेशन करके दिखाओ। वन, स्लो डाउन, टू, थ्री, फोर, फाइव, लेट्स। आपने देखा पूरा बाइसेप्स जो था पूरा कंसंट्रेट हो रहा था, पूरा ही आप देख सकते हो पूरे बाइसेप पे फोकस आया है। ठीक है, जो सबसे बेस्ट ग्रिप आती है। मैं ये नहीं बोलता कि आप इसको वाइंड और ज्यादा पकड़ोगे, ये सबसे बेस्ट ग्रिप है अगर आपका बाइसेप बिल्कुल ओके है। तो अगर आपके बाइसेप में कमी है कुछ, तो उसके लिए हम ग्रिप चेंज करते हैं, उसको और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, उसको और ज्यादा मसल को हार्ड करने के लिए। नाउ क्लोज करके देखिए, क्लोज ग्रिप। अब पहली बात, क्लोज कितना पकड़े, जो आपका शोल्डर लेवल है ठीक है, उससे आप 4 से 5 इंच अंदर आइए, वहां ग्रिप होगी आपकी। ठीक है, देखिए इसके शोल्डर से मिनिमम जो पहली ग्रिप यहां थी, हमने 4 से 5 इंच का गैप लिया बस यहां पे। ठीक है, नाउ फाइव रेपिटेशन अगेन। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। क्लोज ग्रिप कहां फोकस दे रहा है? क्लोज ग्रिप दे रहा है आपके लॉन्ग हैंड पे, जो बाइसेप्स की पीक को डिफाइन करता है। वेट अ मिनट, रखना जरा, एंड फ्लेक्स वो बाइसेप्स। ये देखो, ये आ गया, क्योंकि जब आप बाइसेप्स को फ्लेक्स करोगे तो आपकी यही ग्रिप दिखती है, ये आपके सामने से दिखेगी। समझ गई? नाउ रिलैक्स। अब ग्रिप को वाइड, कम, बहुत, चलो नाउ डू। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, रिलैक्स। एक वन मोर रैप, ये देखो रख दीजिए। वाइड ग्रिप, जैसे मैंने आपको बताया था, क्लोज ग्रिप जो होती है शोल्डर लेवल से 4 से 5 इंच अंदर, जिनके हाथ छोटे वो 6 भी कर सकते हैं, लेकिन वाइड ग्रिप भी आपको 6 से 5, 4 इंच आपको आउटर शोल्डर से पकड़ना है। ऐसे आपको ये नहीं कह रहा कि ये ग्रिप करो, नहीं, जो वाइड ग्रिप है वो इतनी ही सफिशियंट होती है। बहुत सारे क्या करते हैं, बिग बार वाले लेते हैं, उसको ऐसे ग्रिप करते हैं, ये वो कहां प्रेशर आता है, शोल्डर प्रेशर आता है, लेकिन वर्कआउट किस चीज का है, शॉर्ट हैंड का, जो आपका बाइसेप्स सामने से देखा जाता है, आपकी पीक के नीचे वाला पार्ट। अगेन फ्लेक्स द बाइसेप्स, ये वाला पार्ट आप देख सकते हो, ये वाला, दिस पार्ट, दिस पार्ट, ये भार जो आया हुआ है, रिलैक्स। बार बार कर, एक ऐसा वर्कआउट है जिसकी आप ग्रिप को बढ़िया रखोगे ना, वो आपके फोरआर्म्स को भी मजबूती देगा। आप अक्षित का फोरआर्म्स देखिए, इसको मेरे साथ ट्रेनिंग करते हो गए यहां अराउंड 5 to 4 years हो चुके हैं, मैं आप प्रिपरेशन में है काफी। नाउ देखिए, कुछ रिलैक्स, कहने का मतलब ये है कि आप एक वर्कआउट को, उसको भी बढ़िया कर लोगे ना, तो
तो आपके बाइसेप्स की ग्रोथ होनी तय है। आप उसको ये फोकस में मत डालो कि मैं आज मैंने ये ग्रिप कर ली, कल मैं ये ग्रिप कर लूंगा, परसों नहीं। आपको जिस चीज की जरूरत है आप उस चीज पे फोकस करो ना। आप फालतू चीजों पे ध्यान ही क्यों देते हो कि आज नहीं मैं तो आज मेरे को ये बनाना भाई, मैं तो आज ये करूंगा। मैंने बहुत सारे बंदे को देखा बाइसेप्स के एक ही इसके चार चार वेरिएंट लगाते हैं, पहले ये ग्रिप कर ले, फिर ये कर ले, फिर ये, फिर और चोटी। ये गलत है, आपकी बॉडी को हार्म कर रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रही, कोई रिजल्ट नहीं देगी ऐसी है। जब बॉडी को नीड हो तो ही उस चीज को करो। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।